प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो जेकब और मोनॉड ने अपना ओपेरॉन मॉडल दिया है उसमें जीन्स की सिक्वेंसिंग कैसी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक है जीनोम क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीनोम क्या है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनती है, यानी कोशिकाओं से बनती है। उन सभी कोशिकाओं में अपना अपना एक अनुवांशिक पदार्थ या जिसे हम जेनेटिकली मटेरियल कह सकते हैं पाया जाता है। तो इस जेनेटिकली मटेरियल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए गुणसूत्र और जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी जीन्स हैं, जितने भी डीएनए हैं, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं जितना भी अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उस अनुवांशिक पदार्थ को हम एक साथ जीनोम का नाम देते हैं, या हम कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी जीन और अनुवांशिक संगठन को एक साथ जीनोम कहा जाता है। अब यदि हम बात करें कि जीनोम का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो जीनोम का अध्ययन विज्ञान की जिस भी शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा के लिए हम जीनोमिक्स कहते हैं। जीनोमिक्स और जो जीनोम शब्द है, जीनोम शब्द का सबसे पहले जो उपयोग था या जीनोम शब्द जो दिया है वो हैंस विंकलर ने दिया है। हैंस विंकलर, हैंस विंकलर ने दिया जीनोम शब्द। और जीनोमिक्स में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि जीनोम मतलब कि जो हमारे जीनोम में जीन पाए जा रहे हैं उनकी संरचना किस प्रकार से है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनकी नंबर्स कितने हैं, यानी कि उनकी न्यूमेरल को देखते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में वो पाए जा रहे हैं। तो जो जीनोम है या जो जीनोमिक्स है इसकी आधारशिला NIHD ने रखी है। NIHD जो है एक अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि USA के संचालन में होता है, यानी USA जो है उसे ऑपरेट करता है। और इस NIHDE का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एनर्जी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो NIHDE का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो NIHD का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद इस संस्था का ये वर्क होता है कि जितनी भी मानव जनसंख्या है उन सभी के जीनोम को इकट्ठा करें। उन सभी के जीनोम को इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं, इन जीनोम का एक मैप बनाते हैं, यानी कि एक मानचित्र बनाते हैं। देन उसके बाद उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है जीनोम का कि वो किस प्रकार से उसका मानचित्र बनाएंगे, और सेकंड उनका एक और स्टेप होता है जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं। सबसे पहले की जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी जीवों में जनन, उसमें बताया था क्लोनिंग का मतलब होता है अपने समान कॉपी को बनाना या एग्जैक्ट कॉपी अपने जैसी बनाना। तो क्लोनिंग में हम जितने भी जीनोम्स इकट्ठे करते हैं, जीनोम मतलब कि जीन और डीएनए, उन जीनोम्स की क्लोनिंग करते हैं, मतलब उनकी संख्या को बढ़ाते हैं और उन्हीं जैसे बहुत सारे जीनोम्स और बना लेते हैं। देन उसके बाद जीनोम की क्लोनिंग के बाद एक और स्टेप आता है जिसे हम जीनोम सिक्वेंसिंग कहते हैं। सिक्वेंस का अर्थ होता है एक निश्चित क्रम में किसी भी चीज़ को अरेंज करना। तो क्लोनिंग, देन उसके बाद हम सिक्वेंसिंग करते हैं और एक जीनोम डाटाबेस तैयार करते हैं, जिस डाटाबेस के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जीनोम्स की संख्या क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं। और हम ये भी कर सकते हैं, यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, तो फर्स्ट हम डाटाबेस तैयार करके ये पता कर सकते हैं कि कुल कितने जीन हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उनका अरेंजमेंट क्या है
उनका फंक्शन क्या है, देन हम उन पर कंट्रोल कैसे करें, उनकी मेथड्स को हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम उनकी स्टडी करके उनको कंट्रोल करने की नई नई मेथड बनाएं। देन इसके बाद जीनोमिक्स बहुत सारे फील्ड में वर्क कर रहा है, और जो HGP है मोस्टली हमारे लिए दो पढ़ना है, HGP और RGP को पढ़ना है। यहाँ पे जो HGP है, HGP का पूरा नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम परियोजना, और जो RGP है, RGP का पूरा नाम है राइज जीनोम परियोजना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम परियोजना या मानव जीनोम परियोजना की। तो जो मानव जीनोम परियोजना है, इस मानव जीनोम परियोजना की जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 1990 से स्टार्ट हुआ था। देन ये जो परियोजना है वो 10 साल में इन्होंने अपना पूरा वर्क करके अपने रिजल्ट को दिया था, और ये जो परियोजना है वो दिसंबर 2000 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। यानी कि HGP मानव जीनोम परियोजना पर अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया और मानव जीनोम का अध्ययन किया, यानी मानव में जितने भी जीनोम हैं, जीन्स हैं, DNA हैं, उन सभी का एनालिसिस किया, उनके संरचना को देखा, उनके वर्क को देखा, देन उनको कंट्रोल कैसे करें ये देखा, और उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जीनोम में 3 बिलियन क्षारक युग्म पाए जाते हैं, 3 बिलियन क्षारक युग्म। यानी कि इसे हम 3×10⁻⁹ बेस पेयर कह सकते हैं, बेस पेयर। यानी कि जो मानव का जीनोम होता है, मानव जीन में टोटल जो जीन्स होते हैं वो 3×10⁻⁹ बेस पेयर, यानी कि इतने नाइट्रोजनी बेसिस उसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारे लिए ये देखना है कि जो ह्यूमन जीनोम है उससे क्या क्या लाभ हुए हैं। तो यदि हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें, तो ह्यूमन जीनोम, मानव के जीनोम की स्टडी करके हमने ये देखा कि उसमें जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, यानी कि प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे लिंग संलग्नता से जुड़ी जितनी भी हमारी डिसीजेस हैं, चाहे वो ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो, इन सभी को कंट्रोल कैसे करें। तो इन सभी को कंट्रोल एक ही तरह से कर सकते हैं, इनके जीन की संरचना में परिवर्तन करके या उनकी संख्या में परिवर्तन करके। तो ऐसी अनुवांशिक बीमारियों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं हम जीनोमिक्स के थ्रू। देन उसके बाद जीनोम का अध्ययन करके अनुवांशिक विकृति या जितने भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनका भी हम पता कर सकते हैं, और उनका इलाज किस प्रकार से होगा ये भी पता कर सकते हैं। तो 3 बिलियन क्षारक युग्म जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, उनमें से यदि हम एक्टिव की बात करें कि एक्टिव कितने होते हैं, तो एक्टिव जो है वो 30,000 होते हैं, यानी कि 30,000 जो बेस पेयर हैं वो एक्टिव होते हैं, जो कि एंजाइम्स वगैरह का संश्लेषण करते हैं। और ये हमारे जो जीन्स होते हैं वो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं और बहुत सारे अंगों का निर्माण भी करते हैं। तो हमने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP क्या है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे RGP क्या है। तो RGP का पूरा नाम है राइज जीनोम परियोजना। RGP राइज जीनोम परियोजना या प्रोजेक्ट, आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है, यानी कि इंडियन जो कंट्री है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा चावल जो है वो खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि हमारे देश की लगभग जो आधी जनसंख्या है या पॉपुलेशन है उसका जो मेन फूड का सोर्स है वो चावल है, यानी कि चावल आधी आबादी का भोजन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम RGP यानी कि जो चावल है उसमें पाए जाने वाले जीनोम की भी स्टडी करें। तो उन्होंने इसकी स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो राइस या चावल होते हैं इसका जो जीनोम है वो अन्य जो हमारी क्रॉप्स होती हैं या जो अन्य सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, दालें होती हैं, उन सभी की तुलना में चावल का जो जीनोम है वो सबसे छोटा होता है। इस कारण हम चावल के जीनोम का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया
कि जो चावल जीनोम है इसमें 389 मिलियन बेस पेयर होते हैं, यानी 389 मिलियन बेस पेयर या क्षारक युग में जो है वो चावल में पाए जाते हैं। अब उन्होंने चावल की बहुत सारी किस्में, और आपको ये भी बता दें कि जो RGP हमारा प्रोजेक्ट था ये दिसंबर 2000 तक कंप्लीट हो गया था, और जो इस प्रोजेक्ट से भारत देश के साथ साथ अन्य 10 देश भी वर्क कर रहे थे और वो भी इस परियोजना से जुड़े हुए थे। आरजीपी के कारण हमें पता चला कि चावल का जीनोम सबसे छोटा है, और इसकी क्लोनिंग करके, सिक्वेंसिंग करके हमने नई नई जो वैरायटीज़ हैं, नए नए टेस्ट के चावल को बनाया, जैसे कि बासमती चावल है, अस चावल है, ट्रॉपिकल जापानिका है, ट्रॉपिकल टेम्पलेट है। तो ये ऐसे चावल हैं जो जीनोम के, जीनोमिक्स या जो हमारी जीनोम परियोजना है RGP है उसके थ्रू ही डेवलप हुए हैं, उसके थ्रू ही क्रिएट किए गए हैं। तो हमने देखा कि HGP क्या है और RGP क्या है। अब इसके बाद हम समझेंगे जीनोम का अध्ययन करने से हमारे लिए कितने सारे बेनिफिट्स हुए। जब हमने ह्यूमन जीनोम का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल करें, उनका वर्क कैसे हम कंट्रोल करें, उनकी संरचना किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम बदलाव ला सकते हैं। देन इसके बाद हमने RGP के बारे में पढ़ा, चावल जीनोम परियोजना या राइस जीनोम परियोजना, और इसमें देखा कि किस प्रकार से जो क्रॉप्स हैं GMO भी हम बना सकते हैं, GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने RGP को पढ़ा और HGP को पढ़ा और समझा कि जीनोमिक्स क्या है।